हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश का प्रोजेक्ट कि आपको कैसे लिखना है। ओके, और आप देख सकते हैं आप यहाँ से, और अगर आपके स्कूल में आपको अलग से क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं तो आप इसको देख कर लिख सकते हैं, और 20 आपका जो 25 नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसमें 25 में 25 पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि आपको कैसे लिखना है। इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपडेट की जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स, हम जो 2021 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उस पर आधारित हम वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, और इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए और उन सब वीडियो को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे स्कोर करना है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करेंगे आज के वीडियो में जो इंग्लिश का प्रोजेक्ट आपको कैसे लिखना है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर कि पैराग्राफ दिया हुआ है, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, तो आप इसको देखकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक हिंट के लिए बताया जा रहा है। अगर चाहें तो आप इसको सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको जैसा भी स्कूल में मिलेगा उस हिसाब से लिख सकते हैं आप। तो देखिए, फर्स्ट इसमें आप इंडेक्स फिल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चंस मिला है, प्रोजेक्ट नंबर वन में पैराग्राफ मिला है, फिर हिंट दिया गया है उसके बेस पर बनाना है, फिर नोटिस मिला है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया बायोग्राफी कि किसी भी पर्सन का, फेमस पर्सन का बायोग्राफी बनाना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पास प्रोजेक्ट नंबर वन है, पैराग्राफ लिखा गया है कि राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन द पिक्चर एंड द हिंट्स गिवन बिलो। तो कुछ यहाँ पास हिंट्स दिए गए हैं, और उससे आपको क्या करना है, एक पिक्चर को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, और पैराग्राफ बनाना है, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं इसको। देखिए, बिल्कुल ही अच्छी राइटिंग में लिखी हुई है, और काफ़ी पिक्चर को भी अच्छी तरह से बनाया गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे पिक्चर भी है, तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें। ये देखिए, ये आपके पास इसका ये पिक्चर है, ये पैराग्राफ का। ठीक है, तो इस पिक्चर को आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इसी प्रकार से इसको पेंटिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक, फिर देखिए प्रोजेक्ट नंबर टू है, नोटिस आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से नोटिस बनाकर इस प्रकार से ड्रॉ करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्विज कंपटीशन है, उसका नोटिस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद ये नोटिस, इस प्रकार से आपको ऐसे ही डेकोरेट करके आपको बनाने हैं। ठीक है, देखिए फिर इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, ये पहले आ गया है, ये आपका जो इस पर डिस्पैच करना है ये फ़ोटो को, ये बायोग्राफी का फ़ोटो है, ये एक्चुअल में मिताली राज ना, मिताली राज का ये पिक लगा हुआ है जिसका बायोग्राफी लिखा गया है यहाँ पास। ठीक है, माय फेवरेट प्लेयर मीन्स बायोग्राफी बताना है, तो मिस मिताली राज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यानी पूरी उनका बायोग्राफी बताना है। ठीक है, और उनका फ़ोटो भी वहाँ लगा हुआ है, तो उसे आप देखकर यहाँ बना सकते हैं। देखिए, ये पूरा बायोग्राफी है, सब उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माय फेवरेट प्लेयर मीन्स उनमें से अब कौन फेवरेट प्लेयर है, वही उन्हीं का फ़ोटो लगा दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उनके बारे में पूरा डिटेल लिखना है, बायोग्राफी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बायोग्राफी लिखा हुआ है, फिर मिताली राज वाज बॉर्न इन जोधपुर। ठीक है, राजस्थान, तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग का बहुत कमेंट आ रहे थे कि प्रोजेक्ट का वीडियो चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप इसको देख कर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
और भी सब्जेक्ट के अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें सब्जेक्ट बताएं, वो वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।